मुख्यमंत्री को भी बोल चुका हूँ और बार बार जो है प्रशासनिक अधिकारियों को बोल चुका हूँ कि इस गांव के अंदर ना तो पानी का टैंक है, ना तो इस गांव के अंदर पीने का पानी मिल रहा है लंबे समय से। बार बार आते हैं कोटा से भी सागर मतलब की भी सरकार को, तो मतलब सरकार कोई छेड़ नहीं करती है, पानी की बहुत समस्या है, गाँव का गाँव बहुत गरीब है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ देख लो आप पशुओं के, पशु भी नहीं पीते यहाँ का पानी। काफी बार जब भी ऐसे MLA की वोट आते हैं तो वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं करता। आज 5 साल होने के लिए जा रहे हैं, अभी फिर आने वाले हैं अगले साल वोट, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लोगों को ठग करके भाग जाते हैं। लोगों का ये गुस्सा जयराम सरकार के उन दावों की पोल खोल रहा है जिसमें सरकार हर घर में नल से जल देने की बात कह रही है। जल जीवन मिशन योजना कहाँ है ये आप जिला मंडी के उपमंडल जोगिंदर नगर की इस हरिजन बस्ती बनोक का हाल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ के लोगों का आरोप है कि कई सालों से पेयजल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं, साथ ही कपड़े धोने और नहाने के लिए गंदी नाली का पानी इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। यहाँ समस्या इतनी बढ़ गई है कि पंचायत प्रतिनिधि भी अब सरकार के सामने बेबस होते दिख रहे हैं। जिला परिषद सदस्य खुद सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोल रहे हैं। इस गांव के अंदर बार बार मैंने भी मांग की है और बहुत सारी सालों से, पिछले 4-7 सालों से पानी की दिक्कत है। पहले लोकल सोर्स थे वहां से पानी हो जाता था, पर अब वो सोर्स लगभग बंद हो गए, और IPH महकमे को बार बार बोलने के बाद भी वो बार बार झूठ बोलते हैं। हमारे जो रहनुमा हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सारे झूठ बोलते हैं कि हम जो है बड़ा भारी हमने पाइप पानी पहुँचा दिया, हमने बड़ा भारी पाइपें पहुँचा दी, हमने जो है बहुत सारा जो विकास कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दलित हरिजन बस्ती का ये गांव है पूरा का पूरा, और क्या हालात है आप देखो, यहाँ पे कीड़े हैं इस पानी में, और ये सामने देखो आप, ये पानी सड़ गया है पूरा, और इस पानी से बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े सबके जो है धोए जा रहे हैं। हमारी एक बहन यहाँ पे बैठी है जो अभी जो है कपड़े धो रही हैं, और यही हालत यहाँ पे पीने के पानी की है। और मैंने अभी भी XCL से बात की थी पिछले कुछ दिन पहले, मैं STO से मिला था, मैंने JEE को भी बोला है, और उसके साथ साथ पहले भी मैं मुख्यमंत्री को भी बोल चुका हूँ और बार बार जो है प्रशासनिक अधिकारियों को बोल चुका हूँ कि इस गांव के अंदर ना तो पानी का टैंक है, ना तो इस गांव के अंदर पीने का पानी मिल रहा है लंबे समय से। नीचे जो खड्ड है बिल्कुल साथ ही, वहाँ पर सिंचाई के लिए जो पानी आता था वो मोटर काफ़ी लंबे समय से बंद है। उसके लिए मैंने बार बार बोला, भी मैं 5-6 दिन पहले भी मिला था विभागीय अधिकारियों से कि इस मोटर को ठीक कराओ, अगर वो मोटर ठीक होती है तो कम से कम अगर सिंचाई का पानी भी आता तो उससे कपड़े तो धोए जा सकते हैं, उससे पशुओं को पानी पिलाया जा सकता है, उससे दूसरा जो है नहाने धोने के लिए पानी काम आ सकता है, पीने के लिए तो दिक्कत है ही है। लेकिन अभी जो है मोटर बंद होने से वो सिंचाई वाला पानी भी नहीं आ रहा, तो जिस कारण से उस गांव के अंदर भयंकर जो है पेयजल संकट है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस समस्या का जल्दी समाधान नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर हम जो है लगातार जो है IPH जल शक्ति विभाग के कार्यालय के अंदर धरना देंगे और अधिकारियों को घेरेंगे, तालाबंदी करेंगे, मैं बोलना चाहता हूँ। आरोप है गांव में 1 साल से पानी की पाइपें ही नहीं बिछी, भंडारण टैंक बनाने की बातें तो हवा हवाई हैं। विभागीय अधिकारी गहरी नींद में सोए हैं और जब जागते हैं तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। बनोक की तरह ही चाहब भराड़ू में कुछ दलित परिवारों को कई महीनों से पानी नहीं मिल रहा। पानी बहुत दिन का मतलब पुराना पानी है, पर गंदा पानी रहा जी सारी उम्र, मतलब कभी भी नहीं आया ठीक पानी। पहले जी जान छोड़ मतलब टैंकर पानी, अब मतलब टैंकर में नहीं है जी, ना पानी नहीं पानी देता, क्योंकि मोटर पानी मतलब मोटर खराब हुई है, मोटर का पानी नहीं आया है, कने मोटर बार बार खराब हो चुकी जी। तो सरकार कोई छेड़ नहीं करती है, पानी की बहुत समस्या है, गुणों के गाँव बहुत गरीब है, कने ये जी पानी की बड़ी मेहरबानी करनी है आप लोग ने कि तो फिर यहाँ से जी धरना दे देंगे। जो चापर देख रहे हैं आप, यहाँ देख लो हालत, पशुओं के पशु भी नहीं पीते यहाँ का पानी, बोड़ियों की देख लो हैं कैसे करते, कपड़े धोने तो रहे कहाँ, पीने के लिए समस्या है। कई दफ़ा SDO एक्शन आए पूरे पानी के विभाग के, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन यहाँ बोल के चले जाते हैं और वापस दोबारा नहीं आते, हमें ट्यूबवेल लगाएंगे हैं, बोरिंग करेंगे, बट नहीं, सरकार से हम अगर नहीं करेगी तो हम धरने में बैठ जाएंगे, फिर मत इसको ये करना, क्योंकि हम काफ़ी बार जब भी MLA के वोट आते हैं तो वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं करता। आज 5 साल होने के लिए जा रहे हैं, अभी फिर आने वाले हैं अगले साल वोट, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लोगों को ठग करके भाग जाते हैं।
हिमाचल सरकार का दावा है कि जनवरी 2022 तक 17.28 लाख ग्रामीण परिवारों को 15.79 लाख पेयजल कनेक्शन दिए हैं। सरकार ने यह भी दावा किया है कि 2 साल पहले ही जल जीवन मिशन के लक्ष्य को हिमाचल सरकार हासिल करेगी, लेकिन गांवों में अगर ऐसे ही जल संकट रहा तो बड़ा सवाल ये है कि ऐसे हालातों में सरकार अपना लक्ष्य कैसे पूरा करेगी। पी चंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।